गुड मॉर्निंग भैया बहन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का टाइप क्या क्या है, कौन कौन है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मीन्स हो गया एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट किसको कहते हैं। रॉबर्ट बॉय साइंटिस्ट था, फर्स्ट साइंटिस्ट। रॉबर्ट बॉय फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने जो है इसका यूज किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर। ये कहाँ का है, केमिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट। फ्रेंच केमिस्ट वाज़ द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एंड एक्सपेरिमेंटली यूजफुल। ये एक्सपेरिमेंटली यूजफुल किया है, यूं ही केवल रिटेन में नहीं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंटली यूजफुल एस्टेब्लिश एंड एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डिफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। इसका डिफिनेशन दिया, क्या डिफिनेशन दिया, एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन नहीं कर सकते, सिंपलर जो है हम ब्रोकन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है एलिमेंट्स का टाइप। किसको किसको एलिमेंट्स का कहते हैं, सिंपल तो ब्रोकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट के टाइप में देखिए मेटल भी एलिमेंट है, नॉन मेटल भी एलिमेंट है, मेटल वाइल भी एलिमेंट है, ये सारे को एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट का एग्जांपल अगर पूछे तो मेटल का भी नाम दे सकते हैं, नॉन मेटल, मेटल वाइल। तो मेटल्स का एग्जाम्पल कुछ हम यहाँ यानी एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन यहाँ सम एग्जाम्पल्स आ रही है। ए यू मीन्स गोल्ड, ए जी सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम एक्सेट्रा। तो प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल का क्या प्रॉपर्टी है। दे हैव लस्टर, लस्टर मीन्स साइन, उसमें चमक होता है, कोई भी मेटल में चमक होता है, ये प्रॉपर्टी है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसमें पास करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी है। डक्टाइल मीन्स क्या हो गया, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स में उस मेटल को, वायर में जो हम लोग बना सकते हैं उसी को डक्टाइल कहते हैं। तो ये हो गया थर्ड नंबर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में दे आर मैल्युएबल। नंबर फोर्थ में आप लिखिए दे आर मैल्युएबल। ये मैल्युएबल होता है, मैल्युएबल किसको कहते हैं, व्हाट इज मैल्युएबल, कैन बी हैमर्ड, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। दे आर मेल्यूबल, मेल्यूबल मीन्स होता है कि कैन बी हैमर्ड इन टू सीट, उसको सीट में, चदरा में उसको बनाया जा सकता है। इसके बाद इसके प्रॉपर्टी में और होता है दे आर सोनोरस, सोनो दे आर सोनोरस। सोनोरस हो गया साउंड, प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड, यह जो है साउंड को प्रोड्यूस करता है, मतलब बेल टाइप आवाज होता है इसमें जो है। एक आप और एग्जांपल में याद रखिएगा Hg, जिसको कि मरकरी हम लोग कहते हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड, दैट इज
that is liquid at room temperature. Room temperature. ये एक्सेप्शन में रखेंगे. मेटल्स का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, वो जो है हार्ड होता है ना. लेकिन Hg जो है, Hg is the only metal, ये कैसा मेटल है, that is liquid, यह लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं, at room temperature पर लिक्विड फॉर्म में होता है.